यार कल तक मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा था, ग्रो कर रहा था, हर एक वीडियो पे 200-400 व्यूज आ रहा था। और कल एक यूट्यूबर ने कहा कि बार बार YT स्टूडियो को ओपन करने से कुछ भी नहीं होता है, और मैंने 50-60 बार YT स्टूडियो को ओपन करके देख लिया कि मेरा व्यूज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और आज चैनल एकदम से डेड हो गया, एकदम से फ्रीज हो गया। कल तक जो 200-400 व्यूज आ रहा था रोजाना का, 10-20 सब्सक्राइबर बढ़ रहा था, आज वो भी एकदम से बंद हो गया। उल्टा मेरा सब्सक्राइबर आज माइनस होने लगा। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या बार बार YT स्टूडियो को ओपन करने से हमारा चैनल डेड होता है, हमारा चैनल फ्रीज होता है। तो इसका एक जवाब है, सिंपल जवाब है, हाँ। अगर आप बार बार YT स्टूडियो को ओपन करते हैं, बार बार अपने YT स्टूडियो में जाकर देखते हैं, तो आपका चैनल 100% डेड होगा, आपका चैनल 100% फ्रीज होगा। लेकिन इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा कि कब आपको YT स्टूडियो को ओपन करने से कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कब आप अपने YT स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको फायदा होगा, कब नुकसान होगा, और कब आपको ओपन करना चाहिए और कब आपको ओपन नहीं करना चाहिए। अब YouTube पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो को देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं कि बार बार YT स्टूडियो को ओपन करने से आपका चैनल डेड हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। यह 100% गलत है। और बहुत सारे वीडियो को आपने भी ऐसा भी देखा होगा जिसमें लोग बताते हैं कि YT स्टूडियो ओपन करने से चैनल ना तो डेड होता है ना कभी फ्रीज होता है, यह भी 100% गलत है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आपको चीजों को समझना होगा, हर एक जगह इसका नियम अलग है। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो आपके लिए अलग है, अगर आप एक पुराने क्रिएटर हैं तो आपके लिए अलग है, अगर आपके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर है तब आपके लिए ये रूल अलग काम करेगा, और अगर आपके चैनल पे अभी 2-4, 10 या 500 सब्सक्राइबर है तब आपके लिए ये अलग रूल काम करेगा। तो देखिए, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, अभी आपके वीडियो पे ज्यादा व्यूज नहीं आता, अभी आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो अगर आप बार बार अपने YT स्टूडियो को ओपन करेंगे तो इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। अब YouTube क्या कहता है, सबसे पहले आप YouTube का सुन लीजिए। YouTube कहता है कि अगर आप अपने YT स्टूडियो को दिन में एक बार ओपन करते हैं, या 100 बार ओपन करते हैं, या 1000 बार ओपन करते हैं, तो आपके चैनल को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आपका चैनल डेड होगा, ना आपका चैनल फ्रीज होगा। चाहे आप नए क्रिएटर हैं, पुराने क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर हैं, इससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रियल में क्या होता है कि अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, आपने एक वीडियो अपलोड किया, आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आया, आपने तुरंत अपने YT स्टूडियो को ओपन किया, देखा यार अभी मेरा व्यूज नहीं आया, फिर आपने एक घंटा बाद दोबारा से ओपन करके देखा, आपने देखा यार अभी भी मेरे वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आया, आप 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, 5 बार देखोगे, 10 बार देखोगे, आप उसी में फंसे रह जाओगे, और एक समय पर आप इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे कि आप अगला वीडियो के ऊपर काम ही नहीं कर पाओगे। अब बताओ, एक वीडियो यहां पर मैं मेहनत करके बना रहा हूं, अब इस पर अगर व्यूज नहीं आएगा, मैं बार बार अपने YT स्टूडियो को ओपन कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं यार ना व्यूज बढ़ रहा है ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, तो मेरा भी दिल टूटेगा, मेरा भी मन में बोझ आ जाएगा कि यार मैंने इतना मेहनत से वीडियो बनाया और कोई व्यूज नहीं आ रहा है, कोई लाइक नहीं आ रहा है, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं अगले वीडियो के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। और फंडामेंटल क्या कहता है कि अगर आपका नया चैनल है, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो अब आपको एक नए वीडियो के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि नए चैनल पर ऐसे भी व्यूज नहीं आता है। तो आप अगर एक नए क्रिएटर हैं, तब आपको क्या करना है कि आपको एक वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने से पहले आप अपने YT स्टूडियो को ओपन करके रिसर्च कर लीजिए कि हाँ मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, किस कीवर्ड के ऊपर वीडियो बनाना है। पहले आप अपने YT स्टूडियो को ओपन कीजिए, रिसर्च कीजिए, वीडियो बनाइए। लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद आप YT स्टूडियो को भूल जाइए, आपको YT स्टूडियो ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओपन भी करना चाहते हैं, एक घंटे बाद ओपन करके देख लीजिए, हाँ व्यूज नहीं आ रहा है या फिर व्यूज डाउन जा रहा है, तो अगर आपको थंबनेल चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, आप अपना वो काम कर लीजिए। लेकिन बार बार अगर आप YT स्टूडियो को ओपन करते रहेंगे और अगर व्यूज बढ़ता आपको नहीं दिखाई देगा, सब्सक्राइबर बढ़ता आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इससे YouTube को कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। और यार मैं भी एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान है, हम लोग कोई मशीन तो है नहीं कि हमारे अंदर फीलिंग नहीं, हमारे अंदर भी फीलिंग होता है। और जब आप देखेंगे कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पुराने क्रिएटर हैं, आपके चैनल पे 2,000, 5,000, 10,000 सब्सक्राइबर है, आपके वीडियो पे थोड़ा मोड़ा व्यूज आता है, तो आपको बार बार YT स्टूडियो को ओपन करना चाहिए। इससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, उल्टा आपको फायदा होगा। अब फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि अगर आप बार बार YT स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो बार बार आप रिसेंट कमेंट को पढ़ सकते हैं, उनको आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके वीडियो पर कोई व्यूज आ रहा है, मतलब हर घंटे अगर 200-300 व्यूज आ रहा है, तो हर घंटे उसमें 10-20 कमेंट भी आएगा। अब अगर आप तुरंत कमेंट का जवाब देंगे, तो जो कमेंट करेगा उससे भी लगेगा कि हाँ यार ये क्रिएटर जो अच्छा क्रिएटर है, तुरंत मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया
होगा तब भी वो आपको सब्सक्राइब करेगा। तो अगर आपके चैनल पे व्यूज आ रहा है, आपके सब्सक्राइबर है, तो बार बार ओपन कीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग बार बार ओपन करते हैं, देखते रहते हैं कौन सा वीडियो अभी ऊपर चल रहा है, कौन सा वीडियो अभी डाउन हो रहा है। अगर कोई वीडियो डाउन हो रहा है, उसका टाइटल बदल दिया, थंबनेल बदल दिया, फिर वो वीडियो ऊपर चलने लगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि यार हाँ इसने एक कमेंट किया, मैं इस कमेंट का जवाब दूंगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मैंने कमेंट किया, कमेंट का जवाब दे दिया। अब अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हैं जिनके वीडियो पर व्यूज आ रहा है, आप अपना वाईटी स्टूडियो ओपन ही नहीं करते, किसी ने कमेंट करके पूछा कि सर इसका जवाब दे दीजिए, ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप वाईटी स्टूडियो को ओपन ही नहीं कर रहे, उसका जवाब ही नहीं दे रहे, तो उसको भी मजा नहीं आएगा। यार मैंने कमेंट किया, अभी 24 घंटों हो गया, रिप्लाई ही नहीं आया। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तब आपको बार बार ओपन नहीं करना है, लेकिन अगर आप एक पुराने क्रिएटर हैं, आपके वीडियो पे थोड़ा मोड़ा भी व्यूज आ रहा है, थोड़ा मोड़ा भी अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा भी कमेंट आ रहा है, तो आपको अपने वाईटी स्टूडियो को लेकर एक्टिव रहना। वाईटी स्टूडियो को उठाकर अपने होम स्क्रीन पर रख लीजिए और बार बार ओपन कीजिए, उसमें आप एनालाइज कीजिए कि कहां पर आपका वीडियो डाउन हो रहा है, कहां पर आपका वीडियो ऊपर जा रहा है। अगर कोई वीडियो डाउन हो रहा है तो उसमें आप एडिट कीजिए, उसके टाइटल को चेंज कीजिए, थंबनेल को चेंज कीजिए, जिससे आपका वीडियो ऊपर जाना चालू हो जाएगा। हर एक सवाल का जवाब दीजिए। तो यहां पर आपको यह समझने वाली बात है कि अगर आपके चैनल पे अभी व्यूज नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो बार बार ओपन करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अगर आपका एक नया चैनल व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो क्या बार बार आप ऐसे रिफ्रेक्स करेंगे तो कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको नहीं करना है, वीडियो डालिए, अब वाईटी स्टूडियो को भूल जाइए, अपना नए कंटेंट के ऊपर काम कीजिए, नया वीडियो बनाने के ऊपर काम कीजिए। लेकिन अगर आप एक पुराने क्रिएटर हैं, आपके वीडियो पे थोड़ा मोड़ा व्यूज आ रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तब आपको ओपन करना है, आपको रिसर्च करना है, क्योंकि आप अपने चैनल का एनालिटिक्स को नहीं देखेंगे तो अपने ऑडियंस को कैसे समझेंगे, अपने वीडियो अपने चैनल को कैसे समझेंगे? तब आपको बार बार ओपन करना है। तो शायद अब आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मत ओपन कीजिए, डिमोटिवेट होंगे। लेकिन वीडियो पर व्यू जा रहा है, कोई वीडियो वायरल है, तो ओपन करके देखते रहिए, लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका वीडियो कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ये आपके लिए फायदा करेगा। बाकी YouTube कुछ नहीं कहता है कि वाईटी स्टूडियो को आप एक बार ओपन करो, हजार बार ओपन करो, या ओपन करके अपने दीवार पे लगा लो, 24 घंटा देखते रहो, इससे YouTube को, आपके चैनल को, किसी को कुछ दिक्कत नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। और हम लोग तो अक्सर हर 5-10 मिनट पे वाईटी स्टूडियो को ओपन करते रहते हैं, आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।